लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टैंक्शन बिबडोंग को हरा करके अपना सी गॉड ट्राइडेंट को वापस ले आता है, जिसके बाद टियानजन आकर के एम्परर सुबैंग को बताता है कि हुलिना अब अटैक करने के लिए एंजल आर्मी का इस्तेमाल करने वाली है। अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें टियांडो एम्पायर के आर्मी कैंप का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम एक जगह को देखते हैं कि शू लगातार टैंक्शन की केयर करती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टैंक्शन को कई दिनों बाद होश आ जाता है, जिस पर वो देखता है कि शू उसकी केयर करते करते वहीं पर सो गई थी, इसलिए वो उसको ठीक से बेड पर लेटा करके खुद बाहर चला जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो करके ऑस्कर पर आ जाता है। यहाँ पर एम्परर सुबैंग और बाकी लोग उसे पूछते हैं, आखिर में तुम्हें 20,000 सॉसेज बनाने में कितना टाइम लगेगा। तब वो बताता है कि मैं रोंग की स्पोर्ट से 1 दिन में 15,000 फ्लाइंग सॉसेज बना सकता हूँ, इसलिए अगर मुझे थोड़ी सी और हेल्प मिलती है तो मैं 10 दिनों में ही 20,000 सॉसेज बना दूंगा। यह सुनकर के रोंग परेशान होते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, 10 दिनों में 20,000 फ्लाइंग सॉसेज बहुत होते हैं। वही ग्रैंड मास्टर कहते हैं ठीक है तुम्हें 10 दिन देता हूँ, इसलिए जा कर के तुम तैयार हो जाओ। इस पर हम देखते हैं कि रोंग और ऑस्कर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑस्कर जैसे ही कैंप से बाहर आता है वो 10 दिनों में 20,000 फ्लाइंग सॉसेज ऐसा सोच करके परेशान हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रोंग मुझे खींच करके ले जाते हुए कहती है कि आखिर में यह तुमने ही कहा था कि तुम 20,000 फ्लाइंग सॉसेज बना दोगे, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हारी 10 दिनों तक हालत खराब रहने वाली है। वही रोंग के अंकल इन दोनों की हरकतों को देखकर सोचते हैं कि आखिर में यह लोग बड़े कब होंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि एम्परर सुबैंग ग्रैंड मास्टर से पूछते हैं कि आखिर में हम लोग का प्लान क्या होगा। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि हुआन एम्पायर हमसे हवा में फाइट करना चाहता है, इसलिए हम लोग भी हवा में फाइट करने की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। वहीं जहां तक मुझे पता है ऑस्कर के फ्लाइंग सॉसेज 10 मिनट तक के लिए काम करते हैं, इसलिए हम लोग टैंक सेक्ट के हर सोल्जर को 2 फ्लाइंग सॉसेज देंगे, जिसकी हेल्प से वह लोग 20 मिनट तक लगातार उड़ सकेंगे। वही वह लोग इस 20 मिनट में लगभग 3 बार अपनी क्रॉसबो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके बाद उन लोगों के पास इतना टाइम बचेगा कि वह लोग वापस भी आ सकते हैं। इस पर रोंग के फादर कहते हैं कि यह एक अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन तभी मार्शल जिलांग बताते हैं इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, क्योंकि जब हमारा सोल्जर हवा में होंगे तब वो हुआन एम्पायर के मेन टारगेट हो जाएंगे, इसीलिए हमें कुछ भी करके हुआन एम्पायर के डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होगा। इस पर हम देखते हैं कि टैंक्शन वहाँ आते हुए कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। वही एम्परर सुबैंग टैंक्शन को देख करके कहते हैं टीचर क्या आप पूरी तरह से रिकवर हो गए हो, जिस पर टैंक्शन उन्हें बताता है कि मैं कई दिनों से रेस्ट कर रहा था इसलिए मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ। यह सुनकर के एम्परर सुबैंग कहते हैं कि यह तो बहुत अच्छी न्यूज है, जिस पर टैंक्शन कहता है कि ठीक है मेरा अगला मिशन उन लोगों का डिफेंस सिस्टम को तोड़ना होगा, क्योंकि कल जब मैंने बिबडोंग से बाइट की थी तब मेरी ट्राइडेंट के वजह से जेलिंग पास के गेट में पहले ही क्रेक हो गया है, इसलिए अगर आप लोग मुझे कुछ टाइम देंगे तो मैं उस गेट को तोड़ दूंगा। तब ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि ठीक है हम लोग ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद हम देखते हैं कि यह लोग आगे की बैटल स्ट्रेटजी को तैयार करने लगते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर लगातार रोंग की हेल्प से फ्लाइंग सॉसेज बनाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मोटू ओल्ड वर्ल्ड की ग्रैंड डॉटर के साथ में फ्लाइंग सॉसेज को काउंट करने में लगा होता है, और इन लोगों को ऐसा करते कई दिन बीत जाते हैं, जिसकी वजह से ऑस्कर के मूंछ और दाढ़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी वह बिना रुके लगातार सॉसेज आते जाता है, जिसमें रोंग भी उसको लगातार मदद करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार ऑस्कर बड़ी मुश्किल से फ्लाइंग सॉसेज बना देता है, लेकिन इसकी वजह से रोंग ऑस्कर इन दोनों की हालत खराब हो चुकी होती है, पर फिर भी यह लोग सिचुएशन को एक दूसरे से काम करते हुए एंजॉय करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिबडोंग एक सपना देखती हैं, जिसमें वो खुद को अकेला पाकर के अपनी गार्ड को भुलाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो वहाँ पर अपने आप के ही वर्जन को देखती हैं और हैरान हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिबडोंग का इविल नेचर उसके पुराने वर्जन को ले जाता है। तब हमारा सीन शिफ्ट होकर के बहुत पुराने टाइम में आ जाता है, जिस समय बिबडोंग क्वीन रेंगसू को जन्म दे रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बिबडोंग अचानक से क्वीन रेंगसू को नफरत भरी निगाहों से देखने लगती है, जिसके बाद हम देखते
हैं कि जैसे ही वह छोटा बच्चा बिबडोंग के उंगलियों को पकड़ती है, वैसे ही बिबडोंग के अंदर उसके लिए नफरत बनने लगता है। तब फिर भी अचानक से बिबडोंग सबको वहाँ से भगा देती है और खुद अकेले बैठकर वही रोने लगती है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर के फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बिबडोंग को अब होश आ जाता है, जिसके बाद बिबडोंग हुलिना से पूछती है कि आखिर में वो कितने दिनों से बेहोश थी। तब हुलिना उसे बताते हैं कि टीचर ऑफ 7 दिनों से बेहोश थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेलिंग गेट के हालत टेंशन की फाइट के वजह से बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वही बिबडोंग सोचती है कि 7 दिनों में तो टेंशन को सब कुछ प्लान करने का मौका मिल गया होगा। तब हुलिना बताते हैं कि टीचर, जब आप बेहोश हो गए थे तब टेंशन अपनी सी गॉड ट्राइडेंट को लेकर के वापस चला गया था। तभी हम देखते हैं कि बिबडोंग की हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती है, जिस पर हुलिना पूछते हैं कि टीचर क्या आप ठीक हो। तब बिबडोंग बताती है कि अभी भी मुझे पूरी तरह से ठीक होने के लिए कुछ और दिन लगेंगे, इसीलिए तब तक तुम मेरी जगह पर ट्रूप्स को लीड करोगी, वही तुम्हें कुछ भी करके जेलिंग पास के गेट को डिपेंड करना होगा। यह सुनकर के हुलिना कहती है ठीक है टीचर, मैं ऐसा ही करूंगी। इस पर बिबडोंग कहती है कि कितना अच्छा होता अगर तुम मेरी बेटी होती, लेकिन तभी उसे हुलिना के अंदर क्वीन रेंगसू के झलक दिखाई देती है। तब बिबडोंग परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनने नहीं दे सकती, जिसके बाद वो शांत होकर के कहती है तुम मेरी ही स्टूडेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। यह सुनकर के हुलिना इमोशनल हो जाती है और कहती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं जेलिंग पास के गेट को डिपेंड करूंगी। और यह कहने के साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है।